जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये प्रेडिक्शन है कर्क राशि के लिए अप्रैल 2017 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से भाग्य स्थान के अंदर है। भाग्य स्थान में सूर्य ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ माना गया है, भाग्य में वृद्धि करने वाला माना गया है। तो भाग्य वृद्धि के लिए मंथ आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो शुक्र है वो भी आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, जो उच्च राशि में है, जिसके चलते हुए आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। जो भी जातक सरकारी कार्य के अंदर सरकार में काम कर रहे हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनका अपग्रेडेशन हो सकता है, उनका फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये मंथ जो है आपके लिए बहुत शुभ है। 14 अप्रैल 2017 तक सूर्य भाग्य स्थान में चलेंगे, जो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा। और 14 अप्रैल के बाद सूर्य चलेंगे राशि से दसवें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो सूर्य ग्रह का भ्रमण इस मंथ के अंदर आपके लिए बहुत शुभ है। प्रेडिक्शन में बात करेंगे अन्य और ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपके जन्म के चंद्र कर्क राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। यदि आपके जन्म के सूर्य भी कर्क राशि में है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कोई भी साल में आपका जन्म 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में हुआ है और जन्म के सूर्य आपके कर्क राशि में है, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कर्क राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको जबरदस्त असर करने वाला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और कर्क राशि वाले कोई मित्र हैं तो उनको जरूर शेयर करें। प्रेडिक्शन में बात करेंगे अन्य ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में। तो बात करें बुध ग्रह के बारे में, तो बुध जो है वो भी आपके पूरे मंथ के दरमियान दसवें स्थान में चल रहे हैं, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में कारोबार में वृद्धि होने वाली है। शुक्र भाग्य स्थान में उच्च राशि में चल रहे हैं, जो लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। मंगल ग्रह का भ्रमण 12 अप्रैल तक आपके दसवें स्थान के अंदर है, जो भी आपके लिए शुभ है, बिजनेस में कारोबार में तरक्की होने वाली है। 12 अप्रैल के बाद मंगल चलेंगे 11वें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, आपका जमीन मकान व्यवसाय संबंधी कार्य हो सकता है। हालांकि मंगल के 11वें स्थान के अंदर चलते हुए 12 अप्रैल के बाद का जो समय है, जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना जरूरी होगा, और अपने संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना जाए उसका खास केयर करना होगा। राहु ग्रह का भ्रमण धन स्थान के अंदर मध्यम है, वाणी में संयम बरते खास करके कुटुंब के अंदर। गुरु आपके पराक्रम में चल रहे हैं जो आपको नए साहस करवाएंगे, और शनि आपके छठवें स्थान में है, रुक्ष रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये मंथ का तात्पर्य इस प्रकार निकलता है कि ये मंथ आपके लिए बहुत शुभ है, आपके लिए खुशियों का भंडार इस मंथ के अंदर आने वाला है। खास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 2, 3 और 4, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और डेट्स आपको टेक केयर करना है 21, 22 और 23, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 8वें चंद्र में भी खास करके जो यहाँ पर केतु के साथ चलेंगे तो ग्रहण योग बनता है अष्टम स्थान के अंदर। तो इन समय के दरमियान खास करके पानी से विशेष सावधान रहे, व्हीकल ड्राइविंग करें और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करें। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि के लिए अप्रैल 2017 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।